नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पवन कुमार ब्लॉग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दरभंगा एम्स का अपडेट देंगे, तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, बिहार में दूसरे एम्स अस्पताल के निर्माण को लेकर हलचल तेज हो गई है। बीते 15 अगस्त को दरभंगा एम्स के पहले निदेशक के पदभार ग्रहण करने के बाद कयास लगाया जा रहा है कि अब इसके निर्माण कार्य में तेजी आएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा वित्त वर्ष 2015-16 के बजट भाषण में दरभंगा एम्स की घोषणा हुई थी, लेकिन इसमें जमीन अधिग्रहण को लेकर लगातार समस्या आ रही है। पहले दरभंगा मेडिकल कॉलेज की जमीन में से 200 एकड़ देना था, लेकिन फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 200 एकड़ जमीन में से 55 एकड़ दरभंगा मेडिकल कॉलेज को वापस करने की बात कही गई थी। बीते मंगलवार को जिला अधिकारी राजीव रोशन की मौजूदगी में डीएमसीएच के प्राचार्य कृपानाथ मिश्रा और अधीक्षक हरिशंकर मिश्रा के द्वारा भारतीय गैर न्यायिक स्टैंप पत्र पर हस्ताक्षर कर एम्स के कार्यपालक निदेशक डॉक्टर मधवानंद कर को प्रथम चरण की 81.09 एकड़ जमीन का हस्तांतरण किया गया। प्रथम चरण की भूमि विधिवत स्टाम्प पेपर पर हस्तांतरित हो जाने के बाद अब एम्स के लिए भवन, चार दीवारी और अन्य निर्माण कार्य के लिए रास्ता साफ हो गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि दरभंगा एम्स अस्पताल 750 बेड का होगा। इसके निर्माण पर 1264 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसे लगभग 48 महीने में बनकर तैयार होना था, मगर यह तय समय से काफ़ी लेट है। दरभंगा एम्स में एमबीबीएस की 100 सीटें, बीएससी की नर्सिंग की 60 सीटें निर्धारित की गई हैं। इसमें से 15 से 20 सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट भी होगा। इसका निर्माण प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत किया जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आपकी कोई शिकायत या विचार हो तो कमेंट में हमें अवश्य लिखें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।